हेलो, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग सेशन 67 का डू इट योर सेल्फ बनाने का प्रयास करते हैं। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है यहाँ से कैंसिल करेंगे, ओपन होगा। सेट द साइज ऑफ द स्लाइड टू वाइड स्क्रीन यूजिंग डिजाइन टाइप कस्टमाइज ग्रुप स्लाइड साइज। सबसे पहले डिजाइन टाइप में आएंगे और यहाँ से कस्टमाइज ग्रुप के स्लाइड साइज पे आएंगे और यहाँ से वाइड स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। चलिए अब यहाँ से सबमिट करते हैं। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द टेक्स्ट इंटरनेशनल हाई स्कूल, ये आपके प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करना है, ये रहा। चलिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इन द गिवन प्रेजेंटेशन एंड चेंज इट्स फॉन्ट स्टाइल टू योरिया यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप फॉन्ट। क्या करना है? इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, ठीक है? तो चलिए यहाँ से हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं। ऐसा जाएंगे होम टैब में और यहाँ से लिख देंगे इसको जोरिया, ठीक है, ये रहा। क्लिक करेंगे और आंसर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। इन द गिवन प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है कैंसिल करेंगे। सिलेक्ट द टेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ सीड्स एंड प्लांट्स, इसे क्या करना है? सिलेक्ट कर लेना है। चलिए सिलेक्ट कर लिए। एंड चेंज इट्स टेक्स्ट कलर ऑफ लाइट ग्रीन यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप फॉन्ट कलर। इसका क्या है ना, फॉन्ट कलर चेंज करना है, ठीक है? ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से फॉन्ट कलर क्या करना है, चेंज करना है, ये रहा फॉन्ट कलर, इसे चेंज कर लेंगे और आंसर करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सिलेक्ट द टेक्स्ट लाइफ पीसी को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। चलिए सेलेक्ट कर लिए। एंड चेंज इट्स अलाइनमेंट टू सेंटर यूजिंग होम टैब पैराग्राफ ग्रुप सेंटर। इस टेक्स्ट को क्या करना है, सेंटर करना है, ये राइट है, अलाइन सेंटर करना है। चलिए सेंटर कर लिए। आंसर करने के लिए बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से फोर नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। चलिए इन द गिवन प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, अप्लाई अ ग्रिड एसेंट सिक्स स्लाइडर 80% बैकग्राउंड कलर टू स्लाइड टू। तब सबसे पहले स्लाइड टू को सेलेक्ट कर लेते हैं। यूजिंग डिजाइन टाइप, डिजाइन टाइप पे आएंगे, कस्टमाइज ग्रुप फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये रहा, क्लिक करेंगे। देन यूज फिल सॉलिड फिल कलर, सॉलिड में आ जाएंगे और यहाँ पर कलर ये रहा, क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे चूज कर लेंगे, जो भी आप अपना कॉलर इसमें बोल रहे हैं चूज कर लीजिएगा और क्या करना है, सबमिट करना है। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स विद द टेक्स्ट यू विल लर्न, इसमें लिखा हुआ है, इसे क्या करना है, सेलेक्ट करना है स्लाइड नंबर टू में। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, ये रहा। सेंड टू सेलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स बिहाइंड द रेक्टेंगल शेप यूजिंग फॉर्मेट टैब अरेंज ग्रुप सेंड फॉरवर्ड सेंड बैक। फॉर्मेट टैब में आएंगे, अरेंज ग्रुप, सेंड फॉरवर्ड पे आएंगे और सेंड टू बैक करेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है।
सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, चेंज द फुटर टेक्स्ट ऑफ द गिवन प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है इसमें फुटर टेक्स्ट को चेंज करना है यूजिंग इंसर्ट टैब, टेक्स्ट ग्रुप, हेडर एंड फुटर। डिलीट द टेक्स्ट फ्रॉम द फुटर सेक्शन इन द डायलॉग बॉक्स एंड इंटर द लाइफ पाथ फ्रॉम नीड टू सीडी टू प्लांट्स, क्लिक अप्लाई टू ऑल। सबसे पहले आएंगे यहाँ पे इंसर्ट में और टेक्स्ट ग्रुप में हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे और फुटर को चेक करेंगे और इसमें जो लिखा हुआ है इसे क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। और इसमें ऐड क्या करना है, सॉरी इसको डिलीट कर लेते हैं। और इसमें ऐड क्या करना है, तो यहाँ से प्लांट्स तक, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, इस सेक्शन में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और आगे क्या करें, अप्लाई टू ऑल कर देंगे। इस प्रकार से अप्लाई हो गए, सबमिट करेंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एट नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। इन द स्लाइड टू फ्रॉम द गिवन प्रेजेंटेशन, सबसे पहले स्लाइड नंबर टू को सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट द रेक्टेंगल शेप एंड अप्लाई इनसाइड टॉप राइट, ये रहा टॉप राइट में, इफेक्ट टू इट यूजिंग यूज होम टैब ड्राइंग टूल्स शेप इफेक्ट शैडो। क्या करना है, इसमें ड्राइंग टूल्स ग्रुप को पहले आएंगे यहाँ पे और यहाँ से क्या करना है, शेप इफेक्ट और यहाँ से शैडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ऑन सेलेक्ट करने के लिए बाहर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से एट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नाइन नंबर क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन द स्लाइड टेन फ्रॉम द गिवन प्रेजेंटेशन, स्लाइड नंबर दस को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। यहाँ स्क्रॉल करके डाउन करके यहाँ से दस नंबर स्लाइड को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट द स्मार्ट आर्ट हैविंग द इमेज एंड चेंज इट्स कलर टू कलर्ड आउटलाइन एसेंट टू यूजिंग स्मार्ट आर्ट टूल्स डिजाइन टैब। सबसे पहले इसमें स्मार्ट आर्ट को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या बोल रहा है, यूजिंग डिजाइन टैब, डिजाइन टैब में आ जाएंगे और इसमें चेंज कलर पे क्लिक करेंगे। अब इसमें चेंज कलर ए रहा, यहाँ से कोई भी एक कलर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चलिए मैंने ए ले लिया और यहाँ से सबमिट करेंगे। इस प्रकार से नाइन नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है इसमें क्या करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स हैविंग टू टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है एंड अप्लाई सिमिवल एनिमेशन इफेक्ट टू योर यूजिंग एनिमेशन टैब। और इसमें सिमिवल एनिमेशन को लगाना है आपका, सवेर ए रहा, अप्लाई करेंगे और सबमिट करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यस आई एम पे क्लिक करेंगे, इन एग्जाम को सेलेक्ट करके इस टेक्स्ट बॉक्स में फिल करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये ओके हाईलाइट ना हो जाए। चलिए ओके पे क्लिक करेंगे। सेकेंड अटैम्प्ट था, 10 में 10 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।